अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टुडेज मास्टर बूट कैंप। तो आज हम बेसिकली देखेंगे, तवज्जो कीजिएगा तमाम स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेसेस को यूज़ करते हुए हम अपनी क्रट एक एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। और ये वो फाइनल वर्जन है जिसके लिए हम इतने दिन से कोशिश कर रहे थे कि एट दी एंड हम एक क्रट एप्लीकेशन बना सकें। तो इस पूरी क्रट एप्लीकेशन के लिए हमें फ्रंट एंड भी हमने सीखा, फिर बैक एंड भी सीखा, फिर डेटाबेसिस को आज हम ओवरव्यू करेंगे। तो ओवरऑल इस क्रेड के लिए हमें रिएक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम रिएक्ट को भी इसमें चला के देख रहे हैं, रिएक्ट को हमने काफ़ी डिटेल में सीख लिया था, और एक्सप्रेस की हमने एपीएस भी बनानी सीखी थी, उन्हीं एपीएस को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ थी मोंगोडीबी का हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इसमें देखेंगे। और वंस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसको कन्फिगर करके, बेटा तवज्जो करें, अपनी एप्लीकेशन को कन्फिगर करके हम किस तरह से एक करंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो फॉर द डेमोस्ट्रेशन पर्पस वी हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेस बिल्ट इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट में हमने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन पुट करना चाहते हैं और ये हमारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बुक का इंटरफेस बुक मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। तो देखिए इस वक्त हम दो रिकॉर्ड स्टोर करवा चुके हैं, और इसी तरह अगर मैं इनमें से किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट अपडेट करवाना चाहता हूं तो वो मैं अपडेट भी करवा दूं। तो ये देखिए रिकॉर्ड अपडेट हो गए। तो किसी को अगर मैं डिलीट करवाना चाहता हूं तो रिकॉर्ड में डिलीट हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कुछ एप्लीकेशन रन नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने उसी वक्त आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देख लिया था जो मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था लास्ट लेक्चर के अंदर। कितने लोगों ने देखा वो? हाँ, व्हाट्सएप पे भी भेजा था। और मैंने एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने आपको शेयर कर दिया था, आप लोगों ने शायद ओपन नहीं करके देखा। ये मैं चला लेता हूँ, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि मोंगोडीबी के बगैर अगर हम एक अरे बनाते हैं तो उस अरे के अंदर किस तरह से डाटा स्टोर होता है। ओके बेटा, ये जरा देखें ये किस डेट को मैंने 22 जुलाई को अपलोड कर दिया था। इसके अंदर मैंने सर्वर जेएस और ऐप जेएस और पूरा मुकम्मल वीडियो लेक्चर इसमें आपके साथ शेयर कर दिया था। तो आप लोगों को ये देख लेना चाहिए था अब तक। इसके अंदर हमने ये देखा था कि हम किस तरह से एप्लीकेशन की एपीआई को यूज़ करते हुए, यानी एक्सप्रेस जेएस की एपीआई को यूज़ करते हुए हम किस तरह से हम एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। वो लास्ट लेक्चर में जो टू डू लिस्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें एरर्स आ रहे थे, वो जस्ट माइनर थे, कुछ लाइब्रेरीज के इशूज़ थे, वो मैंने रिजॉल्व करके आपको उसकी पूरी वीडियो शेयर कर दी है। तो ये वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा ये सर्वर जेएस और ऐप जेएस की फाइलें इसके अंदर मैंने डाल दी है, जिसमें बैकएंड पे कैसे काम करते हैं और फ्रंट एंड पे कैसे काम करते हैं, यानी आप रिएक्ट को यूज़ करते हुए आप कैसे एक क्रड बना सकते हैं विदाउट मोंगोडीबी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि दो एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है, या आप वीडियो सुन लीजिएगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। इसमें मैंने एपीआई का भी जिक्र कर दिया कि कौन कौन से एपीआई हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि अब हमारे पास दिन थोड़े रह गए हैं, अब हमने डेटाबेसिस को भी अभी पढ़ना है और जो हमारी एपीज हैं उनको भी हमने थोड़ा रिवाइज करना है, बटल वेव्स को भी एक्सप्रेस जेएस के अंदर। तो जो आज का लेक्चर है वो इसी से रिलेटेड है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, क्रट बनाने के लिए हमें दो डिफरेंट सर्वर रन करने पड़ेंगे, एक फ्रंट एंड सर्वर और एक बैक एंड एप्लीकेशन। फ्रंट एंड सर्वर के लिए आप एक फोल्डर बना लेंगे, वो मैं आपको दिखाता चाहता हूँ साथ साथ। देखें ये मैंने पूरा अपना पैकेज यहाँ पर रख दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक क्लाइंट है जिसमें हम पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि रिएक्ट में हमने पढ़ा था app.js, ठीक है, और कुछ इसकी लाइब्रेरीज, कुछ कंपोनेंट्स वगैरह, ठीक है। ये हमने कुछ कंपोनेंट बना लिए, क्रिएट बुक, अपडेट बुक और तमाम बुक्स, और कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर उन्होंने रख के उसको हम एक्सपोर्ट कर लिया। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फ्रंट एंड। सोर्स कंपोनेंट्स क्रिएट बुक डॉट जी एस। अच्छा, इसके अंदर जरा ये बात ध्यान में रखें कि
ये इसका पूरा क्रेडिट का कोड भी आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन इस कोड को थोड़ा समझ लेते हैं कि हम किस तरह से इसमें काम करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक एप्लीकेशन देख चुके हैं कि हमारा बेसिकली एजेंडा क्या है, हम क्या काम करना चाह रहे हैं। ये रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर, रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर हम कोई भी फॉर्म फिल करके कोई भी फॉर्म फिल करके हम अपनी अपनी वैल्यूज जो है ना वो डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली इस प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने अपना एक डाटा क्रिएट कर दिया। दूसरा, हम इसको अपडेट भी करवा सकते हैं। पहले हम फंक्शनैलिटी पूरी मुकम्मल देख लेंगे, लाइक ये अपडेट और ये सारी चीज़ें एपीआई के थ्रू होंगी, हमने अपडेट करवा लिया। और इवन के कोई रिकॉर्ड अगर मैंने डिलीट करवाना तो वो डिलीट होगा। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे पास दो एप्लीकेशन बिल्ड होंगी। कौन कौन सी? सर्वर और फ्रंट एंड। तो सर्वर और फ्रंट एंड को समझने के लिए हम सबसे पहले एक फ्रंट एंड बिल्ड करने जा रहे हैं, app.js। यहाँ पर आप देखें, हमने ये वाला लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि हम किस तरह से रूट्स की लाइब्रेरी यानी राउटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। इसके अंदर हमने क्या किया कि तीन राउट्स बना लिए और उनके पेजेस यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिए। पहला राउट जो था हमारा होम पेज के ऊपर है, दूसरा राउट स्लैश बुक्स पे, और तीसरा राउट हमारा अपडेट बुक स्लैश बुक आईडी। और उसके अंदर हम इन एलिमेंट्स को यानी इन राउट्स के अगेंस्ट इन कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये कंपोनेंट सारे यहाँ पर मौजूद हैं, अपडेट बुक, ऑल बुक्स और क्रिएट बुक्स। इनके कंपोनेंट्स हम चल के देख लेते हैं। ऑल बुक्स में हम क्या कर रहे हैं, वेरी सिंपल। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फ्रंट एंड से कोई एपीआई को यूज़ करते हैं, तो फ्रंट एंड से एपीआई को यूज़ करने के लिए हमें जो लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, उस लाइब्रेरी का क्या नाम है, एक्जीएस। क्या नाम है? तो npm इंस्टॉल एक्जीएस करेंगे तो ये लाइब्रेरी आपके पास इंक्लूड हो जाएगी और इसको आपने इम्पोर्ट कर लेना, नंबर वन। उसके बाद चूंकि हमारे कंपोनेंट का नाम क्या है, ऑल बुक्स, क्या नाम है, ऑल बुक्स, तो हम अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक हमने कंपोनेंट बनाया कॉन्स्टेंट ऑल बुक्स, और आपको ये पता ही है कि हम कैसे कंपोनेंट बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से न्यू फाइल जिस नाम की भी हम बना के, लाइक हम कोई भी नाम बना सकते हैं, माई बुक्स डॉट जेएस, और यहाँ पे हम कोई भी कंपोनेंट बना सकते हैं। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट का बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। रिएक्ट एरो फंक्शन का एक्सपोर्ट बना सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं, कोई भी आप बना सकते हैं उसमें से, वो सारी चीज स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम एक क्या कर लेते हैं, हमने अपना एक कंपोनेंट बना लिया। लाइक अगर मैं बताऊँ तो ऑल बुक्स का सिमिलर नेचर का हमने कंपोनेंट बना लिया ऑल बुक्स के नाम से। तो सिमिलर नेचर का ये हमने रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट और यूज इफेक्ट्स यूज होते हैं। यूज स्टेट को मैं बार बार बताता हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ कि यूज स्टेट का बेसिक एजेंडा क्या होता है, कि आप जितने मर्जी वेरिएबल्स बनाएं और उसको फंक्शन के थ्रू वैल्यू सेट करवा लें। तो यहाँ पे हम यूज स्टेट एक बनाएंगे बुक डेटा के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम क्या फंक्शन डाल रहे हैं, सेट बुक डेटा। तो ये हमारा यूज स्टेट बन गया। अच्छा, यूज इफेक्ट क्या होते हैं, यूज इफेक्ट आपके साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप लेट से यहाँ पे हमने गेट बुक साइड इफेक्ट कर लिया, यानी जैसे आपके पास डेटा पॉपुलेट होगा नीचे गेट बुक्स की लिस्ट फेच हो जाएगी। कहाँ पे फेच हो जाएगी ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी डेटा डालूंगा, ऐड करूंगा, तो यहाँ पे फैच हो जाएगी। तो ये किसके थ्रू है, ऑल बुक्स के थ्रू। ठीक है, ऑल बुक्स का साइड इफेक्ट है यानी यूज इफेक्ट है यानी गेट बुक्स। अब गेट बुक्स बेसिकली क्या चीज़ है, गेट बुक्स एक हमारा एरो फंक्शन है जिसके अंदर, अब ये चीज समझने वाली बात है कि एक्सडीएस डॉट गेट, जो हमारा, एक बात याद रखिएगा कि हम
अपने बैकएंड सर्वर के थ्रू जो भी एपीआई बनाएंगे उसको हम यहाँ पर एक्जिस्ट डॉट गेट के थ्रू कॉल करें। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मेथड टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ गेट मेथड, कुछ पोस्ट मेथड, कुछ पुट मेथड, कुछ डिलीट मेथड। तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट किस्म के इसमें मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो इस वक्त हमने एग्जिस्ट का जो मेथड यूज किया हुआ वो कौन सा किया हुआ है, गेट मेथड। अच्छा अब हम इसके अंदर हमें एक एपीआई डालेंगे। ये एपीआई क्या काम कर रही है, इस एपीआई को चलाने के लिए हमें एक सर्वर साइड में लैंग्वेज जो एक्सप्रेस जेएस की लैंग्वेज है उसके अंदर हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ व्यू बुक की डिटेल हमने की हुई है। तो व्यू बुक की एपीआई हमने बिल्ड की हुई है, इसको भी हम सर्वर साइड को भी देख लेते हैं अभी। और जो भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब जैसे ही इस एपीआई को हिट करते हैं, तो एपीआई हिट करने के बाद हमें सेट बुक डेटा का के अंदर एक रिस्पॉन्स मिलता है जिसके अंदर हमें डेटा फेच हो जाता है। यानी वो डेटा कहाँ से हमें मिल रहा है, ये एपीआई हमें वो डेटा प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ जेसन। मैं ये एपीआई आपको चला के दिखाता हूँ पोस्टमैन के ऊपर, और फिर हम इसको सर्च भी कर लेते हैं कि ये एपीआई का कोड कैसे हुआ है, इसको हम देख लेते हैं पीछे। अभी भी हमने एपीआई बनाई हुई है, गेट मेथड की एपीआई है, इसको मैं सेंड करता हूँ। चेक दिस वन, ये दो रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं, नंबर वन रिकॉर्ड और नंबर टू रिकॉर्ड। ये कहाँ से डेटा आ रहा है, इस एपीआई से। और ये एपीआई कहाँ से डेटा लेकर आ रही है, मोंगो डीबी से। ठीक है, तो अब हम इस एपीआई को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये मोंगो डीबी से कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्ट होगा, और मोंगो डीबी की इंस्टॉलेशन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे वो भी हम इसके बाद देखते हैं। तो पहले हम इस जेसन डेटा को समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये एक रेफरेंस नंबर है आईडी, बाकी जो मैं उसमें फॉर्म से स्टोर करवा रहा हूँ वो यहाँ पे स्टोर होता जा। और उसके अंदर इंसर्शन का हमने एक ऑटोमेटिकली डेट डाल दी, इसको ऑटोमेटिक को स्टोर करवाता है, और उसकी स्टेटस एनेबल है, एनेबल डिसेबल हम कर सकते हैं। अब ये जो है ये इसको स्टडी करने के लिए मेरे पास एक टूल होना चाहिए, मोंगो डीबी का व्यूअर टूल। उसके लिए मैंने कैंपस इंस्टॉल कर लिया। ये देखिए मैंने कैंपस कंपास भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली कंपास क्या है, मोंगो डीबी का यूआई इंटरफेस है टू मैनेज और टू हैंडल डेटाबेसेस इन मोंगो डीबी। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर मैनुअल भी डेटाबेस बना सकते हैं, और एग्जिस्टिंग जो हमारी डेटाबेस बनी जैसे बुक स्टोर की डेटाबेस बन चुकी है, तो यहाँ पे कलेक्शंस होती हैं। एक बात याद रखिएगा कि आम डीबी के अंदर जो हम पहले से रिलेशनल डेटाबेस पढ़ते हैं उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर रिलेशंस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होती है कलेक्शंस। ये फर्क है, अगर आप लोगों ने बीएस में रिलेशंस पढ़ी हुई हैं तो उस रिलेशन में क्या होता है कि आप एक ईआरडी बनाते हो, एंटिटी बनाते हो, एंटिटी से टेबल बना लेते हो, फिर उन दो एंटिटीज को आपस में लिंक कर लेते हो थ्रू वन टू मैनी या मैनी टू मैनी। लेकिन इसमें दो टेबल्स कभी भी आपस में लिंक नहीं होते। आप क्या करते हो, अगर आपने वन टू मैनी बनाना है तो आप क्या करोगे कि इसके अंदर सब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। मतलब इस मिसाल के तौर पे अगर हमने लेट्स से इस बुक्स के ऑथर्स वन टू मैनी ऑथर्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हम आगे चल के देखेंगे। हम यहाँ पर ऑथर्स में सब कलेक्शन डाल देंगे, उसमें पब्लिक, उसमें प्राइवेट की यूज होती, उसमें फॉरेन की यूज होती है। यहाँ पे फॉरेन की का कोई कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कलेक्शन है। इसके अंदर आप इसी के अंदर चाइल्ड जो कि मैं अभी आगे चल के बताता हूँ कि चाइल्ड रोज हम कैसे डालेंगे, यानी चाइल्ड कलेक्शन हम कैसे डाल सकते हैं जस्ट थ्रू प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, तो आगे चल के भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि ये कंपास जो है वो कैसे इंस्टॉल होता है। कंपास इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि ऑलरेडी करवाया हुआ है कंपास इंस्टॉलेशन आपको प्रोसेस, कितने लोगों ने किया हुआ ये, अगर किया हुआ तो देन फाइन, आप लोगों ने नहीं किया हुआ ये, सिंपली यहां से आपने जाना है मोंगो डीबी ये बेसिकली टूल है। अगर आप देखना तो ये टूल्स के तौर पे आ रहा है, तो मोंगो डीबी के अंदर अगर आप टूल्स पे जाते हो तो यहाँ पे आपको कंपास का वर्जन डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। ये देखिए ये कंपास का यूआई टूल आपको मिल गया, यहां से आप डाउनलोड करेंगे। अच्छा
अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, कंपास डाउनलोड कर लेते हैं बट सर्वर डाउनलोड नहीं करते। एक बात याद रखिए, दिस इज ओनली सॉफ्टवेयर, इसके पीछे जो असल डेटाबेस है वो इंस्टॉल नहीं हुई हुई होती बाय डिफॉल्ट। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मोंगो डीबी सर्वर कम्युनिटी वर्जन। तो जो पहला लिंक आएगा कम्युनिटी का, ये देखिए मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। जब तक ये डाउनलोड नहीं करोगे, इसका इसके अंदर दो है, जिप और एमएसआई। आप एमएसआई यूज करोगे और उसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करोगे सेटअप चल जाएगा, सेटअप को आप डबल क्लिक करोगे इसके अंदर सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं इसको करने के लिए। नंबर वन सर्वर, पहले ये सर्वर इंस्टॉल करोगे। इसका लिंक मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ अभी। मोंगो डीबी का सर्वर वर्जन इंस्टॉल करोगे और देन आप उसका यूआई टूल इंस्टॉल करोगे कंपास के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर कंपास, ये लिंक है, इसके अंदर आपको उसे इंस्टॉल करना है। कंपास यूए टू, ठीक है। तो ये जीयूआई है बेसिकली, MongoDB कंपास डाउनलोड। यहाँ से जाओगे आप इसको एमएसआई एक्सली वर्जन में इंस्टॉल कर लोगे, तो ये डाउनलोड पहले होगा, उसके बाद डबल क्लिक करोगे तो ये वाला इंस्टॉल हो जाएगा। इस सेटअप इस तरह का सेटअप ओपन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है। यहाँ पे आप जितने मर्जी डेटाबेसेस बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी डेटाबेस बना सकते हो, कलेक्शन नेम उसका रख सकते हो, यानी उसके अंदर कौन सी कलेक्शन आपने बनानी है, और उसके बाद आप क्रिएट कर दोगे वो कलेक्शन बन जाएगी। यहाँ पर जो मैंने डेटाबेस बनाया है, ये बेसिकली हमने कोड के थ्रू ऑटोमेटिकली, जब हमने कोड रन किया तो नोड जेएस की मदद से, यानी नोड जेएस ने यहाँ पर खुद ही इस कनेक्शन के बाद ये बुक स्टोर का एक डेटाबेस बनाई और उसके अंदर कलेक्शन बना लिया पी एस अंडर स्कोर बुक्स, और उसके अंदर ये डाटा एंट्री होती जा रही है। लेट्स से अगर मैं इसमें आपको एक डाटा एंट्री करके दिखाता हूँ, तो एक थर्ड इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। यहाँ पर तीन रिकॉर्ड्स आ गए। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ कंपास के अंदर, कंपास के अंदर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए तो यहाँ पे तीसरा रिकॉर्ड भी आ गया, मंथ है, बुक नेम है, ऑथर है, और इसको एक रेफरेंस आईडी मिल रही है। यानी इसमें आपको रेफरेंस आईडी टेक करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इसको मैनेज कर रहा होता है। तो MongoDB की इंस्टॉलेशन का आइडिया हो गया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं हम, एक्चुअली अब हम आगे किस चीज के ऊपर जा रहे थे, हम ये जा रहे थे कि व्हाट इज इनसाइड दिस एपीआई। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस सर्वर बेसिकली एपीआई के तौर पे काम आता है, यूज होता है, और हम मुख्तलिफ किस्म की एपीआई बना देते हैं, और हर एपीआई के अगेंस्ट रिटर्न टाइप हम जेसन में डाल देते हैं। तो ये आप देखिए, ये उनकी रिटर्न जेसन में आ रही है। तो हम इस एपीआई को एक्सप्लोर करते हैं कि इस एपीआई को हमने कैसे बिल्ड किया। उसके लिए मैं सर्वर साइड पे आता हूँ और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमने डेटाबेस की कनेक्शन कैसे की, उसके बाद हम आते हैं। अच्छा, डेटाबेस की कनेक्शन के लिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, आपने सिर्फ ये दो लाइनों का कोड लिखना है, बाकी सिर्फ उसकी टेस्टिंग है, ठीक है। ये दो लाइनों का कोड है। क्या करना होगा, आपने डीबी डॉट जेएस की फाइल बनानी है, रिक्वायर्स मोंगूज कर लेंगे, और बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट असाइन होती है वो 2717 होती है विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स। और जो भी इस पर आपने कलेक्शन यूज करना चाह रहे हो, जैसे हमने बुक स्टोर का कलेक्शन यूज किया, वो यहाँ पर मोंगूज डॉट कनेक्ट के पैरामीटर के अंदर दे देंगे, तो हमारी ये कनेक्शन हो जाएगी। जब कनेक्शन होगा तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है मोंगूज का ऑब्जेक्ट, इसके इसके जरिए से हम टेस्ट कर लेंगे कनेक्शन ऑन। अगर कनेक्शन ऑन हुआ है तो कनेक्टेड का मैसेज आ जाए, अगर कनेक्टेड है तो ये मैसेज लिखा हुआ आ जाए। तो यही वजह है कि जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो कनेक्टेड टू MongoDB आ जाता है। हाँ, अगर उसका स्टेटस एरर में आ रहा है तो फिर वो ये एरर दे दे, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, मोंगोज को एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम ऐप डॉट जेएस के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, ऐप जेएस के अंदर हम कुछ अपनी एपीएस बिल्ड कर रहे हैं। जैसे अभी हमने मैंने आपको एपी दिखाई व्यू बुक, ठीक है। अभी हम व्यू बुक को देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, उससे पहले कुछ हमारी रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपको इसमें एक्सप्रेस रिक्वायर्ड है, फिर आपको कोर्स यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्विसेज के लिए आपको कोर्स की इंस्टॉलेशन करनी है। इसके अलावा आपको बॉडी पार्सल, बॉडी पार्सल का क्या काम होता है, जेसन को पास कर देता है वो। अच्छा, इसके अलावा नई चीज़ के अंदर क्या आ गई है, नई चीज़ ये आ गई कि जो आपने डीबी की फाइल बनाई थी उसको आप क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे यहाँ पर।
अच्छा ये क्या चीज है, ये भी मैं आपको मॉडल समझाता हूँ, व्हाट इज मॉडल। अभी मिस्त्री आते हैं इन्वर्टर राउट्स इसमें भी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एप जीएस के अंदर देखें हमने क्या किया कि ये हमारा मिडलवेयर है, एप डॉट यूज कोर्स जेसन और एपीआई क्रिएट बुक राउटर। जो क्रिएट बुक राउटर है ये बेसिकली हमारा एक राउटर की फाइल है। राउट्स के अंदर हम जाते हैं तो वहां पर हमें मिलेगा क्रिएट बुक्स। ये सारी जो एपीज है वो यहाँ पे बिल्ड हो रही है, ठीक है। जितनी भी एपीज है वो यहाँ पे हम बिल्ड कर, और हम मेन जीएस के अंदर उसको लोड करवा रहे एक्सपोर्ट की मदद से। ये देखिए ये एक्सपोर्ट है, इसकी वजह से मेन एप डॉट जेएस में उसको लोड करवा देंगे। अब सबसे पहले जो हमारी एपी थी वो कौन सी थी जिसको हमने स्टडी करना था, व्यू बुक इस वन। अच्छा ये जो व्यू बुक है इसको समझने के लिए आप लोगों ने ये देखना है कि जो इसके अंदर हमारा जो यूआरएल है वो स्लैश व्यू बुक्स का है। और ये इतना काम किस लिए होता है, ये इतना काम होता है कि एक यूआरएल जनरेट कर, जैसे स्लैश के बाद व्यू बुक्स लिखेंगे तो वो इस फंक्शन पे आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंक्रोनाइज वे से डेटाबेस से क्यूरी करवा रहे हैं। डेटाबेस से क्या करवा रहे हैं, क्यूरी। जैसे बुक डॉट फाइंड अवेट बुक डॉट फाइंड, ये क्या कर रहा है कि जितनी भी बुक है उसकी लिस्ट जनरेट कर रहा है, और जो भी बुक्स में वो जेसन में डाटा आएगा, बुक्स में जो भी डाटा आएगा उसको जेसन में रिस्पॉन्स कर देगा। अगर तो 100% सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आता है तो उसका स्टेटस 200 है, और अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो उसका स्टेटस 500 होता है, और हम एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवा देते हैं। तो दिस इज वेरी शॉर्ट एपीआई जिसके अंदर हमने ये जो लाइन है इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको आपने समझना है कि ये एक्चुअली क्या कर रहा है। लाइन नंबर 33 एंड लाइन नंबर 34, लाइन नंबर 33 इज अ क्यूरी कि जिसमें ऑल बुक्स फाइंड हो जाती है, यानी बुक डॉट फाइंड। अगर मैं आपको यहाँ पर कंपास के अंदर दिखाऊं, देखें पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा मॉडल कौन सा है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्लैरिटी कर देता हूँ उसका। हमारा मॉडल इसमें है बुक्स, आप किसी भी नाम का मॉडल बना सकते हो, ठीक है। मॉडल बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, बेसिकली मॉडल कुछ भी नहीं है, मॉडल आपकी डेटाबेस के साथ अलाइन होकर काम करता है। मॉडल इज एक्चुअली द लाइब्रेरी विच यू बिल्ड टू कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज़ मुश्किल पेश जरूर आएगी लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगी। देखिए इस मॉडल के अंदर सबसे पहले स्कीमा लोड होता है। क्या लोड होता है जी, सबसे पहले स्कीमा। स्कीमा क्या चीज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मंगूज के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे, यानी जो भी इसके कनेक्शन वगैरह है, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। हम क्या करेंगे, न्यू स्कीमा। न्यू स्कीमा का मतलब क्या होता है कि अगर तो उसके जो एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं है तो उनके एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर दें। तो डेटाबेस जो आपके जो मोंगो डीबी के जितने भी टेबल्स यानी जितने भी कलेक्शंस होते हैं उनके लिए मॉडल बनाना बहुत जरूरी है। लेट्स से अगर हम एक और कलेक्शन यहाँ पर बनाएंगे, फिर अगर हम यहाँ पर कोई और कलेक्शन बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये रिमूव कलेक्शन है ना, इस तरह हम एक और कलेक्शन बना लेते हैं न्यू कलेक्शन, तो हमें उसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मॉडल के अंदर जाके मॉडल बनाना पड़ेगा। अच्छा इस मॉडल में मैंडेटरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी हमें, सबसे पहले मंगूज का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मंगूज के नाम का या कोई किसी भी नाम का बना सकते हो, और उसके बाद आप उसका एक स्कीमा बनाओगे। स्कीमा का कोई भी नाम रख सकते हो, अभी मैंने बुक स्कीमा नाम रखा। उसके बाद उस बुक स्कीमा को मैं क्या करूँगा कि अपने जो कलेक्शन है उसके अंदर बुक स्कीमा को लोड करवा दूंगा, तो हमारा डेटाबेस मैनिपुलेट हो जाएगा। मतलब जैसे मैं रन करूंगा इस कलेक्शन के नाम का एक स्कीमा बिल्ड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले फिजिकली एक प्रोसेस समझाता हूँ। अच्छा देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाता हूँ यूनिवर्सिटी। अच्छा ये काम हम अभी जैसे मैं मैनुअल कर रहा हूँ, ये काम हम किसके थ्रू करवा सकते हैं, अपने एक्सप्रेस जीएस से, यानी वो रन टाइम पे डेटाबेस भी बनाएगा और रन टाइम पे उसके कलेक्शन भी बनाएगा। देखिए जी
सेम उसी तरह हायरार्की बन गई, जैसे बुक स्टोर एक हायरार्की थी वैसे यूनिवर्सिटी हायरार्की बन गई और स्टूडेंट बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि कोई कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन इज अ डेटा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बुक बीएस बुक्स की बात करूं तो ये क्या है, कलेक्शन एक डेटा ऑब्जेक्ट है। इसको हम जेसन में भी देख सकते हैं, इसको हम टेबलर फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो एक्चुअल फॉर्म में होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, ये एक्चुअल फॉर्म है। लेकिन ये जो आपका कंपास है ये क्या काम करता है, ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर देता है, उसकी डिफरेंट किस्म के व्यूज बना देता है। तो ये एक्चुअली MongoDB का कोई अपना बिहेवियर नहीं है, ये कंपास की यानी कि फीचर्स हैं जो कि किसी भी रिलेशंस को, रिलेशन नहीं कहना चाहिए, किसी भी कलेक्शन को डिफरेंट एंगल से दिखा देते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर क्या फीचर है, फीचर है कि अगर मैं फुल कलेक्शन को जेसन में या CSV में एक्सपोर्ट करना चाहूँ और उसमें अपनी मर्जी का फॉर्मेट देना चाहूँ तो डिफॉल्ट फॉर्मेट के थ्रू मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अब ये चीज़ आपने समझनी है, लेट्स से डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक जेसन फाइल इस पूरे डेटा टेबल का, यानी पूरा जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका नाम आ गया, फाइल का नाम बुक स्टोर डॉट बीएस अंडरस्कोर बुक्स डॉट जेसन फाइल। अब अगर मैं इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको, ये स्कोर भी अगर दिखा दूं तो वो पूरी की पूरी कलेक्शन यहाँ पर मुझे मिल गई है ना। ओके, अच्छा, जिस तरह अभी हमने एक एक्सपोर्ट किया इसी तरह हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, इस तरह की पूरी कलेक्शन बना के हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, तो वो इम्पोर्ट भी उसको कर लेंगे। अच्छा, अभी हम ये देख रहे थे कि स्टूडेंट्स के अंदर अभी हमने डाटा वगैरह ऐड नहीं किया, ना इसके अंदर कोई हमने प्रॉपर्टी वगैरह ऐड की, ना इसके अंदर हमने कोई स्कीमा ऐड की। तो स्कीमा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कीमा ऐड करने के लिए स्कीमा होता क्या है कौन बताएगा जी, सॉरी स्कीमा क्या होता है मैं बताता हूँ। स्कीमा इज अ डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस या जो कलेक्शन है उसका स्ट्रक्चर आपने बनाना होता है। अच्छा देखिए, अभी मैंने क्या किया समझ लें, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी, हमने कंपास को यूज करते हुए अपने कुछ डाटा ऐड किया यहाँ पर, ठीक है। यानी ऐड डाटा पे जाओगे और इंसर्ट के थ्रू आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, या अगर आप यहाँ से डायरेक्टली डुप्लीकेट करना चाहो, ठीक है, किसी भी रिकॉर्ड को डुप्लीकेट करना चाहो तो वो डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरी कलेक्शंस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होना शुरू हो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे इसके अंदर ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, लेकिन इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड की हुई है उसके थ्रू इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं जितने मर्जी कॉलम्स बना सकता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि हम APIs जो है वो किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, फाइंड के थ्रू, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर फाइंड लिखता हूँ तो फाइंड के पीछे कौन सी क्यूरी चल रही है, ये वाली क्यूरी, दिस वन बुक डॉट फाइंड। बुक डॉट फाइंड का क्या मतलब है कि बुक वाले मॉडल पे जाओ और फाइंड का फंक्शन अप्लाई करो। अब ये जो फाइंड का फंक्शन है ना, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, ये आपको लिखित फंक्शन बनाना नहीं पड़ता। ये अगर आप देखें, ये भी मैंने इस पर क्लिक किया है तो मॉडल्स डॉट डी डॉट टी एस, ये इसका जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसकी लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, जब हम इसको मोंगूज पे इंस्टॉल करते हैं और जब हम मोंगूज के थ्रू एक एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं उसमें। स्टैन साहब आप ये बताएं कि इसके अंदर मोंगूज का पैकेज जब आपने इंस्टॉल किया था, तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर देख लेते हैं, ये ऐप डॉट जी एस के अंदर हमने मोंगूज का पैकेज कहीं पर इंस्टॉल किया था, मोंगो DBS का, वो कहाँ पे है, ऐप डॉट जी एस, हाँ वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो किस कमांड से इंस्टॉल होगा जी। वो यहाँ पे आप आएंगे npm install mongoose,
ठीक है, जब आप ये करेंगे मंगूज तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर मोंगो डीबी का पूरा जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और प्लस ये जो भी मैं आपको फाइल दिखा रहा था डॉट जे, इसके अंदर राउट्स के अंदर जो मैंने यूज़ किया था फाइंड का फंक्शन, दिस वन, ये वाली लाइब्रेरी उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। यानी अब आपको कोई कोई कॉम्प्लेक्स क्यूरी लगाने की जरूरत नहीं है, ना इस लाइब्रेरी को पढ़ने की जरूरत है। आप जस्ट क्या करोगे, बुक जो भी मॉडल आप बनाओगे उस मॉडल के नेम के साथ डॉट फाइंड लगा दो, फिर आपको ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा ये मैं अभी आपको दिखा दूँ। ये वाला रिकॉर्ड आपको डॉट फाइंड से मिल रहा है, ये एक एपीआई हमने चेक कर लिया। लेकिन ऑल बुक्स, बेसिकली बुक्स हमारा एक कंट्रोलर का नाम है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एपीआई कॉल कर रहे हैं जिसके थ्रू ये ऑल डेटा जो है वो फाइंड आउट हो रहा है। ओके जी, यहाँ पे चेक करें, ये यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इस ऐप जेसन को देखें तो हमारे पास तीन राउटर्स मौजूद हैं। कौन कौन से? ये रिएक्ट जेएस है। तीन राउटर्स कौन कौन से मौजूद हैं? रूट, रूट स्लैश बुक्स और रूट स्लैश अपडेट बुक स्लैश बीआईडी। इन तीनों राउटर के अगेंस्ट हम बैकएंड पे जो एपीआई कॉल हो रही है उसको चेक करते हैं। तो आप दो चीज़ों को कंफ्यूज ना करें, फ्रंट एंड सेपरेट है और बैकएंड सेपरेट है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा डिफॉल्ट स्लैश है इसको देखते हैं। ये देखें, ये हमारा डिफॉल्ट स्लैश है, यानी इस पे क्या हो रहा है, इस पे ये वाला पेज कैसे लोड होता है। तो इसको जरा समझिए, मैं दोबारा फ्रंट एंड पे आता हूँ। जो हमारा डिफॉल्ट स्लैश है उस पे जो हमारा कंपोनेंट लोड हो रहा है उसका क्या नाम है, क्रिएट बुक्स। मैं क्रिएट बुक्स के अंदर आ जाता हूँ। क्रिएट बुक्स के अंदर हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, सिंपली हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक फॉर्म फील्ड सेट बना लिया। ये भी अच्छा, ये हमने अरे बनाई है, सिंपल अरे। और ये जो फॉर्म फील्ड सेट है ये हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। कहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ये देखिए, ये हमने फील्ड सेट के अंदर यूज़ कर लिया। अच्छा, आप एक पूरी की पूरी अरे किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि ये स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर मैंने पूरी की पूरी अरे यहाँ पर उठा के डाल दी, यानी उसकी विड्थ कितनी होगी, पैडिंग मार्जिन वगैरह। जैसे कि आपका ये जो फॉर्म है वो इस डिज़ाइन का बन गया। अच्छा, अगर आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से मौजूद हैं इनपुट्स, तो पहला इनपुट कौन सा मौजूद है, बुक नेम, बुक ऑथर, बुक प्राइस और आखिर में एक बटन है ऐड बुक। ऐड बुक के बटन की मदद से हम किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हैंडल फॉर्म सबमिट को कॉल कर रहे हैं। हैंडल फॉर्म सबमिट किसको कॉल कर रहे हैं, अब ये जो एग्जिस्ट डॉट पोस्ट है ये अगेन हमारी एपीआई है। तो जब भी मैं एग्जिस्ट की बात करता हूँ तो आपको सर्वर साइड पे आके देखना पड़ेगा। अब सर्वर साइड में हमारे पास एड बुक का एक क्या मौजूद है, राउट मौजूद है। मैं सर्वर साइड पे आने जा रहा हूँ, ये देखिए सर्वर साइड में मैं आ गया, एड बुक का राउट यहाँ पर मौजूद होगा। ये हमारे सारे राउट्स हैं, ये एड बुक का राउट मौजूद है। इस एड बुक में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल जैसे ही इस पोस्ट पे हिट आती है तो वो सारा डेटा रिक्वेस्ट में आता है। तो रिक्वेस्ट में से हम क्या करते हैं कि आपके पास जो इनपुट फील्ड्स हैं उसके अंदर से आप उनके बाय नेम वैल्यूज पिक कर लेते हैं। वो वैल्यू कैसे पिक होती है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बुक अंडरस्कोर नेम, ये देखें बुक अंडरस्कोर नेम, यानी ये हम उसमें पास करवा रहे हैं। इसी तरह बुक ऑथर, बुक प्राइस हम इसमें पास करवा रहे हैं। सेट बुक डेटा ये हम इसके अंदर पास करवा रहे हैं। और वैल्यूज हमारे पास कहाँ से आ रही है, बुक नेम, बुक ऑथर, बुक प्राइस, यहाँ से हमें वैल्यूज मिल रही है। ये सारी वैल्यूज हम लेकर इस एपीआई को हिट करवा रहे हैं। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अभी मैं आपको एक प्रोसीजर चला के दिखाता हूँ। ये देखिए,
इस पॉइंट को आपने समझना है बड़े अच्छे तरीके से। हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर है, बुक नेम, इसकी कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और दूसरा हमारे पास बुक ऑथर, और तीसरी चीज हमारे पास कौन सी है, बुक प्राइस, और देन हमारे पास चौथी चीज कौन सी है, बुक पब्लिश डेट। ये देखिए अभी जो मैंने रन किया वहां से ये भी कुछ इनपुट्स मैनेज नहीं हुई, मिसाल के तौर पर बीएस में कुछ इनपुट मैनेज नहीं हुई, लेकिन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर दो दफा डाटा आ चुका है, यानी नया रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है। तो वो मैपिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन वो यहाँ से मैं जितनी दफा सेंड करूंगा यहाँ पे डाटा आता जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्रंट एंड सेपरेट चला रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये एक एप्लीकेशन है, ये हमने अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है, अगर ये हम अपनी एप्लीकेशन ना भी बनाए, ये अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस एपीआई को हिट करवा देंगे, अपनी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पे बना के इस एपीआई को हिट करवा देंगे, तो क्या होगा, अगेन डाटा इंसर्ट हो जाएगा, राइट। अब ओवरऑल प्रोसेस को जरा देखें कि अभी हमने बुक क्रिएट करने के की एक एपीआई फ्रंट एंड पे कॉल की और बैक एंड पे उसका डाटा स्टोर हो गया। इस प्रोसेस को जरा दोबारा देख लेते हैं। याद रखिए कि जब भी हम किसी एपीआई को कॉल करते हैं, जैसे हमारी ये एड बुक की एपीआई है, वो पूरा डाटा एक प्रोसेस होगा, यानी एक डेटा को ऑब्जेक्ट मिलेगा और उस डेटा के ऑब्जेक्ट को हम डॉट सेव करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स में जैसे में जो भी हम रिटर्न करवाना चाहें वो रिटर्न हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एपीआई को कॉल करें। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। एनी क्वेश्चन? चलो मैं इसके इसके एक लाइफ साइकिल दोबारा बता रहा हूँ, जरा तवज्जो से सीखिएगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट करनी हो हमें फ्रंट एंड की भी रिक्वायरमेंट होती है और बैक एंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। फ्रंट एंड के लिए हमें क्या करना पड़ा है, फ्रंट एंड के लिए हमें सिंपली जिस तरह रिएक्ट की एक बेसिक ऐप बनाते हैं, कई दफा आपको बता चुके हैं कि रिएक्ट की ऐप बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप अपने ऐप डॉट जी एस बनाते हो, उसके अंदर कंपोनेंट बनाते हो। कंपोनेंट में हमने कुछ कंपोनेंट्स बना लिए, जैसे ऑल बुक्स, क्रिएट बुक्स और अपडेट बुक्स। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर हमने अपने राउट्स बना लिए जो कि ऐप डॉट जी एस के अंदर मौजूद है। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ऐप डॉट जी एस के अंदर तमाम राउट्स मौजूद हैं। टोटल हमने इसमें 3 राउट्स बनाए हैं ऐप डॉट जी एस के अंदर। अगर आप देखें तो हमारे पास 3 राउट्स हैं, वो तीनों राउट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे कहाँ पे काम कर रहे हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो हम आगे भी चलते हैं। पहला राउट है होम डायरेक्टरी, दूसरा राउट है स्लैश बुक्स। ये क्या काम कर रहा है, जितनी भी बुक्स हैं उनको लिस्ट पॉपुलेट करके ला रहा है। और तीसरा राउट कौन सा है, तीसरा राउट है अपडेट बुक और बाइंड आईडी, यानी बुक आईडी उसकी कौन सी हो। तो वो तब चलेगा जब हम अपडेट कॉल करेंगे, मतलब अपडेट बुक और उसके साथ पैरामीटर के अंदर कोई भी आईडी पास करेंगे, लाइक 1, 2, 3। यहाँ पे हमें आईडी जुबानी याद नहीं होती, हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं अपडेट। ये देखिए अगर आप यूआरएल देखें तो ये अपडेट बुक और वो रेफरेंस आईडी कॉल हो गई है। उस रेफरेंस के अगेंस्ट पहले तो वो रिकॉर्ड लोड होगा इसके अंदर। इस रेफरेंस को अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ तो अपने कैंपस में जाके बुक्स के अंदर अपने कलेक्शन में यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आईडी अंडरस्कोर आईडी, तो ऑब्जेक्ट आईडी के लिए वो सिर्फ कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट आईडी पास कर लें तो उसी के लिए काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कोई भी लिखता हूँ फिजिक्स, तो मुझे फिजिक्स का डेटा उठा के ला देता है। ये बेसिकली फाइंड है, ओके। तो जब हम ये पास करते हैं तो हमें अपडेट बुक के अंदर जो सबसे पहला काम कर रहे हैं वो फाइंड करना।
मैं फाइंड आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम फाइंड का मेथड, जो बिल्टन मेथड है, जो इसका मॉडल है, उसके थ्रू हम किस तरह से फाइंड के मेथड को कॉल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम तो अपनी सर्वर साइड पे आ जाते हैं। ये हम सर्वर साइड पे आ रहे हैं, इसके अंदर हम कंट्रोलर के अंदर आएंगे, जो कंट्रोलर ने उधर से कॉल किया था। यहाँ से देखिए अपडेट बुक्स, और उसके अंदर पैरामीटर हम पास कर रहे थे, तो हमारा अपडेट बुक्स का कंट्रोलर यहाँ से कॉल हो गया। ये देखिए दिस वन। अपडेट बुक करने पर होता क्या है, अपडेट बुक करने पर क्या होता है कि जैसे हम लेट से यहाँ से किसी भी बुक के रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं अपडेट, तो हमारे पास उसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस लोड हो जाता है जो हम ऑब्जेक्ट ऊपर लोड करवा रहे हैं। अभी जैसे फिजिक्स लोड हुआ, इसी तरह ये केमिस्ट्री अपडेट पे क्लिक करें तो केमिस्ट्री लोड हो रहा है, तो इसमें मंथ स्टैक लोड हो रहा है। तो ये कहाँ पे काम कर रहा है, अपडेट के अंदर जो रेफरेंस पास करते हो, तो ये सबसे पहले कि फॉर्म पॉपुलेट होगा। तो पहले इसको देखते हैं कि फॉर्म कैसे पॉपुलेट हो रहा है, उसके ऊपर डीबी क्यूरी कौन सी लग रही है। हमारा फ्रंट साइड है, फ्रंट हैंड नो बैक हैंड, ठीक है। ये क्लाइंट है, फिर से मुझे बता देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपडेट बुक के लिए हमारे पास जो कंट्रोलर मौजूद है, जो कंपोनेंट मौजूद है, उसका नाम है अपडेट बुक्स, ये वाला अपडेट बुक्स के नाम से। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले साइड इफेक्ट जो यूज हो रहा है कि वो बुक, हमें तो वो पहले इंस्टेंस निकालना है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर मुझे एक इंस्टेंस चाहिए जिसमें उस पर्टिकुलर बुक का रिकॉर्ड लेकर आना है। ये वाला, ये एक पर्टिकुलर बुक का रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को सबसे पहले हमें फेच करना है इस रेफरेंस के अगेंस्ट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली रीयूज कर रहे हैं इस एपीआई को हमने बनाया, इसको हमने कॉल कर दिया। इसके अंदर जो भी हम आईडी पास करेंगे, वो रिस्पॉन्स में से जो भी डाटा होगा, वो हमें इन पैरामीटर के अंदर डाल के रिस्पॉन्स कर देंगे। ये देखिए ये उसने रिस्पॉन्स कर दिया। ये सेट बुक डाटा, यानी जितने भी बुक के डाटा की वैल्यू है, वो यहाँ पर क्यूरी के थ्रू लेकर आता है, यानी रिस्पॉन्स डाटा डॉट बुक नेम, बुक ऑथर, जो भी हम इसमें से तीन चीजें चाहिए, हम इसमें उठा के अपने इस पैरामीटर में डालते हैं। अच्छा, जैसे अपने इस पैरामीटर में डाल दिए, तो हमारे पास एक्चुअली क्या हुआ कि सेट बुक डाटा जो हमने ऊपर यूज स्टेट बनाया हुआ था सेट बुक डाटा के नाम से, उसके अंदर ये स्टोर हो जाता है यूज इफेक्ट्स। अच्छा, उस सेट बुक डाटा के थ्रू जब हमारे पास वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद हो गया, तो हम उसको एक फॉर्म के अंदर लोड करवा दें। फॉर्म के अंदर लोड कराने का तरीका भी बहुत ईजी है, यानी यहाँ पे भी हम फॉर्म बनाएंगे अपडेट बुक के अंदर, इसी तरीके से फॉर्म बन गया, ये देखेंगे इनपुट, बट इसके अंदर वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, बुक डाटा डॉट बुक नेम, यानी ये जो ऑब्जेक्ट हमारा पूरा बन गया बुक डाटा, ये वाला, इसके रेफरेंस से डॉट बुक नेम, इस तरह इसके रेफरेंस से बुक ऑथर, इसके रेफरेंस से बुक प्राइस, ये तीनों चीज़ हम इनकी वैल्यू के अंदर पास कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। उसके बाद जो भी हम मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर, लेट्स सी, मैं यहाँ पर कोई भी नाम और ऐड करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो ये यहाँ पे अपडेट हो गया। अब इसको चलाने के लिए अगेन हमें एक फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा, ऑन क्लिक का फंक्शन। अच्छा, ऑन क्लिक में है हैंडल फॉर्म सबमिट के अंदर, अगेन हमें एक एपीआई की जरूरत है, वो एपीआई कौन सी है, अपडेट बुक की एपीआई। ये देखिए ये हैंड हैंडल सबमिट के अंदर हमें एपीआई को कॉल कर रहे हैं, अपडेट बुक एपीआई। अब ये जो अपडेट बुक एपीआई है, इसके अंदर हमें ऑलरेडी पूरे बुक का डेटा हमने भेजना है, ताकि जाके उसको रिप्लेस कर सके। अब असल में ये वो एपीआई है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कि ये अपडेट बुक के अगेंस्ट कौन सी एपीआई है जिसके थ्रू हम डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सर्वर साइड पर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऐप डॉट जेएस, और इसके अंदर मेरे पास राउट्स बने हुए हैं, राउट का नाम क्रिएट बुक्स के नाम से, और यहाँ पे जो अपडेट
ये देखिए जी, अपडेट बुक, अब यहाँ पे जो एपी बनी हुई है उसका नाम है राउटर डॉट पुट, उसका मेथड टाइप है राउटर डॉट पुट। तो अगर हम इसको पोस्ट रिक्वेस्ट से चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी मेथड टाइप पुट है। अब इसके अंदर क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट में आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तमाम पैरामीटर्स मिल रहे हैं, पूरी रिक्वेस्ट की बॉडी मिल रही है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है, मॉडल का बिल्ट इन फंक्शन है कि हम आईडी की बेस पे फाइंड करते हैं और उसके अंदर जो भी न्यू रिकॉर्ड आता है उसको हम अपडेट कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह एसक्यूएल क्वेरी के अंदर आप एक पूरी क्वेरी लिखते हो, उसमें क्वेरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके पास फंक्शन है। अभी तक मैंने आपको कुछ फंक्शन बताए हैं, जैसे अब जरा नोट करते जाए, फाइंड का फंक्शन, फाइंड बाई आईडी का फंक्शन, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट का फंक्शन, सेव का फंक्शन, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट का फंक्शन। तो इसमें काम करना बहुत आसान हो जाता है, यानी आपके पास जितने भी फंक्शंस हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, आप उन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हुए आप वन गो में डाटा पास करके आप पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट का डाटा को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो इन रिटर्न जो MongoDB का ऑब्जेक्ट है पूरा, जो मैंने यहाँ पर सर्च भी करके आपको दिखाया था, तो वो अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो MongoDB के अंदर आप जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना आपने, ये देखिए MongoDB, फंक्शंस, लिस्ट ऑफ फंक्शंस। ये दिस वन, ये देखिए, ये जो कलेक्शन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लें, अदरवाइज इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे कि जिनकी आपको समझ नहीं आएगी। तो समझने के लिए आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ कि डॉट फाइंड। अब ये फाइंड से रिलेटेड आपको कितने फंक्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, सिक्स फंक्शन। अच्छा, सिक्स फंक्शन मिल रहे हैं। अगर आपने देखना है कि डीबी डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड इसका क्या काम है, तो ये आपको पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है कि आपको पूरा एक कलेक्शन डॉट फाइंड के मेथड से मिल जाता है। फिर इसके अंदर आप क्वेरी पास करते हो और प्रोजेक्शन बताते हो, ऑप्शन बताते हो डॉट फाइंड के अंदर, और सिंपल अगर आप उसके अंदर पैरामीटर पास नहीं करते तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा एक कलेक्शन की लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। अगर आपने उसमें पैरामीटर्स भेजने हैं तो वो कलेक्शन आपकी क्या हो जाती है, स्कीज हो जाती है, नैरो डाउन हो जाती है। यानी चलिए इसी को अगर हम समझ लेते हैं, ये देखिए दिस इज फाइंड फंक्शन। ओके, अगर जब मैं फाइंड फंक्शन चला रहा हूँ तो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स जो कि इस कलेक्शन के अंदर मौजूद है वो फेच करके ले आए। लेकिन लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बुक नेम का एक फिल्टर लगा दूँ, यानी पहला फिल्टर है बुक नेम, और यहाँ पे मैं लगा दूँ फिजिक्स, और फिर मैं फाइंड करूँ, तो वही क्यूरी अब एक पैरामीटर लेके हिट हो रही है और उसके अंदर एक ही रिकॉर्ड फेच हो रहा है। तो ये क्यूरीज बहुत जरूरी है, फाइंड बाय आईडी, फाइंड पिछले पेज पे कुछ कर फाइंड एंड मॉडिफाई। अब ये देखेंगे फाइंड एंड मॉडिफाई, फाइंड फाइंड एंड मॉडिफाई का फंक्शन मैं अभी यूज किया, इसके अंदर तीन सब फंक्शंस मौजूद है, फाइंड एंड अपडेट, फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड रिप्लेस। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं अपनी एपी के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देखें तो हमारी एपी है दिस वन, इसमें हम बुक को अपडेट कर रहे हैं, तो हम इसमें कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं तो फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट को कॉपी करो और यहां से सर्च करो।
ये मंगूस के 7th वर्जन में नहीं है, ये 8th वर्जन में, इसको आपने पढ़ना है बेसिकली। ये देखिए ये सारे सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल गई, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ, इसकी फर्दर हम थोड़ा गौर करेंगे, लेकिन ये बहुत एक्सटेंसिव है। मंगूस ऑल क्यूरीज, उसका लिंक यहाँ पे आपको मिलेगा वर्जन 8 के लिए। ये देखिए फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिल रही है हमें, यानी आप उसमें आईडी पास करते हो और अपडेटेड ऑब्जेक्ट पास कर देते हो, तो ये ऑटोमेटिकली और कोई क्यूरी डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। अगर हम इसकी कोडिंग देखें, देखिए तो यहाँ पे देखिए जस्ट हमने एक रिक्वेस्ट में आईडी पास की है और पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट बॉडी पास कर दी है रिक्वेस्ट बॉडी, तो जिससे क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली इस आईडी के अगेंस्ट जो भी पूरा कंटेंट था वो अपडेट हो, वेरी इजी, यानी कोई आपको क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी इसके अंदर हम लोगों ने एक बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट था कि आप लोग थोड़ा सा समझ सकें कि करंट जो है ना वो मोंगो डीबी को यूज़ करते हैं हम कैसे बनाते हैं, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि एपीआई कैसे कॉल करते हैं, एपीआई के थ्रू डाटा कैसे लोड करवाते हैं, किसी फॉर्म की मदद से हम जो डाटा इंसर्ट कैसे करवाते हैं। अब डाटा इंसर्ट करवाने के लिए देखें क्या है, सेव, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ डॉट सेव के नाम से आपको फंक्शन मिल जाएगा, डॉट सेव, ये देखें अवेट प्रोडक्ट डॉट सेव, हम इसी तरह का करें ना, हम अपने मॉडल को डॉट सेव करते हैं तो हमारे पूरे का पूरा मॉडल सेव हो जाता है। तो ये जो लिंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। मैं सेम वाले फंक्शन को दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखें हमारे मॉडल का नाम था बुक डॉट सेव, ये देखें अवेट न्यू बुक डॉट सेव, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट उसमें पास किया, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, की वैल्यू पेयर्स है बस, बुक का नेम है, ऑथर का नेम है, बुक ऑथर, बुक प्राइस, और ये हमारी जो कीज है ये लाजमी वही होनी चाहिए जो डेटाबेस की कीज है, उस पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट को हम इसमें पास कर देंगे, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस है, तो हमारी हमारे इस मॉडल को हम सेव कर लेंगे, तो ये सेव हो गया, अपडेट भी हो गया, और आखिर में रह गया डिलीट का रिकॉर्ड। देखिए डिलीट के रिकॉर्ड में हम सबसे पहले आईडी पास करेंगे, सबसे पहले देखेंगे वो आईडी कौन सी है, वो फाइंड करेंगे और एंड देन डिलीट कर देंगे। तो डिलीट के लिए मुझे एक ही पैरामीटर चाहिए जस्ट आईडी, वो ऑटोमेटिकली उसकी आईडी को डिलीट करेगा और हमें एक रिस्पॉन्स में 200 स्टेटस दे देगा, हम उसको पढ़ के कह देंगे हाँ जी भाई सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। अगर रिटर्न में 200 में सक्सेस मिल गई है, यानी इस एपीआई को हम कॉल कर रहे हैं, डिलीट बुक की एपीआई देखते हैं कहाँ पे कॉल हो रही है, ये देखें फ्रंट एंड में आ जाते हैं, फ्रंट एंड में डिलीट बुक की एपीआई कहाँ पे कॉल हो रही है ये हम चेक कर देते हैं, यहाँ पे कॉल हो रही होगी ऑफकोर्स, ये देखें ये कॉल हो रही है एपीआई, इसमें मैंने कह दिया कि जैसे ही एपीआई कॉल हो ऑन सक्सेस हमें एक एरर मैसेज, एक मैसेज प्रिंट हो जाए कि भाई गेट बुक की जो एपीआई थी, डिलीट की जो एपीआई थी वो कॉल हो गई सक्सेसफुल, और वो डिलीट के बटन के ऊपर हमने रखा हुआ, ये देखें ये डिलीट बटन है, इसके ऊपर हम कॉल कर लेते हैं। ये डिलीट का बटन है, ऑन क्लिक डिलीट का फंक्शन कॉल हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर हम सिंपली डिलीट की एपी जो कि हमारी सर्वर साइड पे बनी हुई है उसको हिट करवा रहे हैं, और अब सर्वर साइड पे क्या कर रहे हैं, सर्वर साइड पे जस्ट हम एक फंक्शन याद कॉल करवा रहे हैं फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, जस्ट हम उसमें आईडी पास कर रहे हैं और उसको डिलीट कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था करंट ऑपरेशन का यूजिंग मोंगो डीबी, तो मैं ज़रा ओवरऑल समराइज कर देता हूँ सारा कुछ, और ये कोड आपको जिप करके दे रहा हूँ ताकि आप इस कोड को चला लें और फर्दर इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हम एक एक लाइन ऑफ का कोड नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये पूरा आपको सिस्टम मैं लिख रहा हूँ आपको बिल्ड करके, ताकि आप लोग इसको आपके साथ शेयर कर दिया जाए, आप उसको एक्सप्लोर करें और इसके मुताबिक आप इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करें। लेकिन ये जो भी मैंने लिंक आपसे शेयर किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, अभी मैं आपसे क्या करने जा रहा हूँ कि
ये जो पूरा प्रोजेक्ट है क्रेड का, इसमें से मैं सिर्फ वो फोल्डर जो आपको मैं भेजना चाहता हूँ वो भेज दूँ, ठीक है? ओके, नहीं वो बच्चों को इंस्टॉल करो, क्योंकि फिर इंस्टॉल कर। अच्छा बेटा, इसमें एक बात याद रखें, मैं आपकी लर्निंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कोड भेज रहा हूँ, पूरा प्रोजेक्ट नहीं भेज रहा। पूरे प्रोजेक्ट में और कोड में क्या फर्क है? पूरे प्रोजेक्ट में जस्ट आप npm रन स्टार्ट करते हैं या npm रन डेव करते हैं या npm स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट विदाउट एनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ कोड भेज रहा हूँ तो जब आप npm रन करोगे तो वो नहीं चलेगा, तब उसका क्या तरीकेकार है? आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी पैकेजेस और लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई हैं, इंस्टॉल करने वाली है, वो आप इंस्टॉल करोगे सर्वर साइड पे भी और क्लाइंट साइड पे भी। तो इस दौरान आपको मौका मिलेगा कि पूरे पूरे प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो उसका एक आसान तरीका होता है, npm इंस्टॉल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही देखेगा कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज हुई हुई है, वो उसको आपके पैकेज में इंस्टॉल भी कर देगा। और इसका एक आसान तरीका इसीलिए ये इसका फुल जब हमने कोई भी कोड शेयर करना होता है तो हम पूरी डायरेक्टली शेयर नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि फाइल हैवी हो जाती है। तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि कोड शेयर कर देते हैं, यानी प्रोजेक्ट शेयर कर देते हैं। उस प्रोजेक्ट को जब आप npm इंस्टॉल करेंगे आप अपने पास ले जाके, तो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज जितनी भी होती है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में डाउनलोड भी हो जाएगी, इंस्टॉल भी हो जाएगी और आपका प्रोजेक्ट रन भी हो जाएगा। रही बात कि कौन कौन से लिंक्स इंपॉर्टेंट हैं, मैंने यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दिया है। ऑटो इंस्टॉल द मोंगो डीबी और मोंगो डीबी के इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं वो कौन कौन से, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। और एक और अब यहाँ पे मैं काम करने जा रहा हूँ कि आज का जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट सोर्स कोड, ठीक है, ये भी मैं अटैच करने जा रहा हूँ। ये बात कॉपी हो जाए तो उसको मैं जिप करके आपके साथ अटैच कर दूँगा। अच्छा, जब आप ये कोड रन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली कैंपस में जाके देखोगे तो आपकी डीबी ये वाली बन जाना चाहिए। कौन सी डीबी? बुक स्टोर वाली डीबी ऑटोमेटिकली बन जानी चाहिए। एक्चुअली सिस्टम सेट हो गई। अच्छा, इसमें असाइनमेंट में आपको बता देता हूँ क्या करना आपको। चलो, अच्छा इसमें असाइनमेंट क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में ना, यहाँ से